साथियों, आप जानते हैं कि इस धरती पर बुराई भी है और अच्छाई भी है, लेकिन साथियों आप देख रहे होंगे कि समय के बदलते क्रम में कुछ लोगों ने धर्म और मजहब को व्यापार की वस्तु बना लिया, और साथियों इन्हीं व्यावसायिक व्यापारिक बातों में लोगों में लोभ लालच ये तमाम बातें उत्पन्न करते हैं, और जब इसके ऊपर मजहब और धर्म की चाशनी लगा देते हैं तो लोगों को मीठी लगती है। लेकिन होता क्या है, इस मीठी चाशनी के सामान को जो वो खाते हैं अपने जीवन में उतारते हैं तो यही धरती उनके लिए जन्नत नहीं दोजख बन जाती है। साथियों कुछ वीडियो हैं, इसमें आप ऐसे उदाहरण जानने और समझने की कोशिश करें, मेरा अनुमान है कि बहुत कुछ आपको समझ में आने लगेगा। उचेली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लव हो गया, मैं लव करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तैयार की हुई, और तुम तबायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो, उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और उनकी और उनके और हर बीवी जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70-70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों में उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की बिडलियों का कूदा तक तुम्हें नजर आएगा, इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके कूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीन की यकीनन वाकई सच है। उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा, और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100-100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए, अल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। हूरे सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100-100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी, और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कोई इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैटरीन के अंदर जाना मजबूरी है। लैटरीन के साथ जितना ताल्लुक बंदे की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैटरीन के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है।
वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। आज तू क्या देखा तूने हिंदुओं में, और तू कहता है कि जनाब हिंदू भी जनाब हम जन्नत दोजख के फैसले नहीं कर सकते, तूने तो नहीं करने ना, तो अल्लाह रसूल ने फरमाने हैं फैसले, ना मौलवियों ने करने हैं, लेकिन अल्लाह रसूल ने तो फैसले फरमा दिए कि जन्नत में ये जाएंगे और जहन्नम में ये जाएंगे। कि किसी चीज में गिर जाए तो क्या करो, फिर उसको पूरा डुबा कर निकाल कर फेंक दो। उसल वो दर कितना गंदा है, अब जाहिर सी बात है आपके पास एक कुंटल सालन है, पूरा सालन फेंक देते मक्खी की वजह से, गिरी तो डुबा दो और फेंक दो। इसलिए कि आज हमें पता चला और अल्लाह ने बात फरमा दी थी हदीस के अंदर कि उसके एक पर में बीमारी होती है तो दूसरे पर में शफा भी होती है। साइंटिफिकली आज पता चल रहा है कि उसको जब डुबा देते हैं तो उसके बॉडी में से ऐसे एंटीडोट्स निकलते हैं उस कीड़े के, जो वसल्लम ने एक प्याले में अपना बहुत मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक, वजह क्या थी, हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर धूप फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनका उनके फजला मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू खुशबू निकला करती थी। तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला, अगर आम इंसान का रखते बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा को अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहि सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी घर में जो खिदमत पर रहती थी उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शरी बदलो लोग, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायत है, मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं, जाहिल के सामने आप बयान करेंगे आपको ही गालियां दे देंगे, वो ईमान को उस दर्जे पर नहीं होता, मगर आप लोग जो कि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए खाजा गुलशन में लोग ये बोलेंगे। और आदरे किराम, असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की तासीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की तासीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया, हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबू आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया, कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी बजा बकरी की अबदा, अब जाओ मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, मरते दम तक तुम्हारे पेट में अब दर्द नहीं होगा, जाओ शायद पा ली है तुमने, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, अंदाजा आप लगाएं कि सरकार के साहबा किस कदर बादत थे। और आप ये एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, अगर कोई अगर किसी को पता चले, खुदा ना खास्ता पहले कोई इंसान पी नहीं सकता, अगर पीले अगर किसी को इतना मिले वो जी नहीं सकता, कैसी इंसान को कराहियत होगी? अगर उन लोगों का अकीदा ऐसा मजबूत था, वो लोग कहते थे मैंने कोई गलत चीज नहीं पी है, मैंने तो बरकतों का सबक पी लिया है। मेरे दोस्तों, उनका ईमान ऐसा था, उन लोगों को बड़ा अदब था सरकार के पेशाब मुबारक से। आप लोग आदि से मुबारक का बुखारी किताबुल वुजू उठाइए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नाक मुबारक साफ करते, तो मेरे दोस्तों नाक से जो रीत मुबारक निकलती है कभी वो जमीन पर नहीं गिरती, साहबा अपने जुब्बे फैला देते, हुजूर छिनकना चाहते तो साहबा के जुब्बे फैल जाते, साहबा के हाथ किसी मर जाते, और मेरे दोस्तों और चेहरों पर मलते, और अगर किसी को न मिलता तो उसके हाथ पर हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लिया करता, अपने सीने पर वो लोग लगा लिया करते। वो लोग जानते थे कि ये रसूल हैं, इनकी हर चीज को अल्लाह ने पाक बनाया है, ये ऐसे पाक ऐसे नूर वाले ऐसे मुरब्बत ऐसी बरकतों का सबब बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इनकी जो चीज मिल जाए वो इंसान को कामयाबी अता कर दिया करती है। और मेरे दोस्तों, सरकार के सामने सब कुछ होता था, सरकार ये नहीं बोलते थे मतलब मैं तुम्हें इबादत करवाने के लिए आया हूँ, अल्लाह के आगे झुकाने के लिए आया हूँ, मेरी ताजिम क्यों कर रहे हो, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ताजिम मत करो। रसूलुल्लाह देखते जाते थे और खुश होते चले जाते थे, सरकार के साहबा धूम मचाते एक ही मौके पर, बाकी सारे मौकों पर उन पर सन्नाटा होता था, हिलते नहीं थे अपनी जगह से। साथियों, आपने देखा होगा, आपने इन वीडियो में लोभ और लालच की पराकाष्ठा देखी होगी।
आपने इसमें दूसरे मजहब धर्म की नफरत की पराकाष्ठा देखी होगी। और साथियों, आपने रसूल का पेशाब पीना, उनके नाक पीना, उनके पसीनों को अपने शरीर में लगाना, इन तमाम बातों की आपने पराकाष्ठा भी देखी होगी। साथियों, समझ में नहीं आता क्या इस्लाम बस इतना भर है। साथियों समझे जाने अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।